गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण मामले पर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की एक भी योजनाएं और प्रस्ताव पूरे नहीं हुए हैं। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद कांग्रेस को दिग्विजय सिंह की याद आई है। आइए आपको बता दें कि डॉक्टर मिश्रा ने और कुछ क्या कहा। कमलनाथ जी ने जितनी भी घोषणाएं की एक भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो सब कागजी थी। उसी में से ये ओबीसी आरक्षण था। इन्हीं के कार्यकाल में उसकी ठीक पैरी भी नहीं हुई और स्टे मिल गया। और लगातार इतना कमजोर वो आरक्षण तैयार किया कि वो हो ही नहीं सकता था। और इसलिए इन्होंने न तो तारीख, पेशी, व्यवस्था, संवैधानिक ढांचा, उसका प्रारूप एक भी ठीक नहीं बनाया था। अच्छा, आप मूल ओबीसी आरक्षण की बात ले लो, किसान कर्जा माफी की ले लो, नौजवानों को वो देने की बात ले लो, ये सब के सब इन्होंने इसी तरह से किए कि हो ही नहीं पाए। और पूरा इसमें दोष कमलनाथ जी के द्वारा उसका जो फॉर्मेट तैयार किया गया था उसकी त्रुटियों पर जाता है। आप इससे अंदाजा करिए कि ये नौजवान है जिन्हें 3 दिन बाद याद आई है कि एक बुजुर्ग की साथ अन्याय हुआ है। इससे आप युवक कांग्रेस की हालत समझ सकते होगे। और कमलनाथ जी भी 3 दिन बाद आए।